मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस ने उठाया विकास का मुद्दा, पार्टी को जीत को लेकर किया बड़ा दावा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का और दौर भी जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की इच्छा पर विधानसभा में प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये इच्छावर विधानसभा में 7 बार विधायक रह चुके हैं, बावजूद इच्छावर की जनता मूलभूत सुविधाओं से भी जूझ रही है। विधानसभा क्षेत्र में सड़क नाली पानी और सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। कांग्रेस प्रत्याशी शैलेंद्र पटेल ने दावा किया कि क्षेत्र के विकास कार्य नहीं होने से बीजेपी के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। गाँव-गाँव में सड़कों और नालियों के निर्माण नहीं होने से क्षेत्रवासी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोयाबीन की फसल खराब हुई थी, लेकिन किसानों के न मुआवजा दिला पाए न ही कुछ, और न ही बीमे की राशि। किसानों में भी बीजेपी के वर्तमान विधायक को लेकर आक्रोश जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक पटेल ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ ग्राम रत्नाखेड़ी, सोहन छपरी, अमरसाह, सोहाल घाटा, देरिया खुर्द, खुनरिया, भंडेली, चैनपुरा, नापाली और खड़ेली आदि में जनसंपर्क किया। इस दौरान पटेल ने कहा कि क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी जनता के कार्य करने में आलसी है, जिससे इच्छावार क्षेत्र विकास की रफ्तार में पिछड़ गया है। यहाँ का किसान परेशान है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आगामी दिनों में प्रदेश के कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनने वाली है। नोटों के बदले सरकार खरीदने वालों को जनता बेरोजगार करने वाली है। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी शैलेंद्र ने कहा कि बीजेपी के प्रति क्षेत्र में जनता में आक्रोश है। जनता कहती है कि 15 वर्षों से ज्यादा समय में बीजेपी सरकार, लेकिन यहाँ के लोग बेरोजगार। कंपनियों में उन्हें जॉब नहीं मिली, जॉब पाने के लिए लाखों की रिश्वत देनी पड़ती है। हर बार बीजेपी वाले कहते हैं रोड बना देंगे, लेकिन जर्जर सड़कों का जल इच्छावर क्षेत्र में ज्यादा व्याप्त है। बने रहें दा खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।